आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए लगभग 1.5 kg चिकन। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर रखा हुआ है। और मसालों में हमें चाहिए लगभग 4 कटे हुए प्याज, काली मिर्च पाउडर, तेज़पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, सिनेमन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट और सरसों का तेल। कढ़ाई को गर्म होने के बाद हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। उसमें हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाल देंगे। फिर हम उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे जो मैंने काट कर रखा हुआ था। अच्छे तरीके से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन पीसेस को डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और चिकन पीसेस को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमें कढ़ाई को ढकना नहीं है। अच्छे से मिला लेंगे हम चिकन पीसेस को। ये देखिए मैंने चिकन पीसेस को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हम चिकन को अच्छे तरीके से मिलाते रहना है ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिल जाएं। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमें पकाना है। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारा चिकन पक रहा है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट को हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि मसाले और चिकन पीसेस अच्छे तरीके से मिल जाएं। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे ऑल टाइम चलाते रहेंगे। हम इसमें लगभग 2 कटे हुए टमाटर को डालेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम उसमें लगभग 200 ग्राम दही डालेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। सारे मसाले और चिकन पीसेस अच्छे तरीके से मिल जाने चाहिए। मिलाने के बाद हम लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारा चिकन बनकर रेडी है। अब हमें एक बर्तन लेना है। बर्तन में हम घी डाल देंगे। घी को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मैंने पुलाव पहले से बना कर रखा हुआ है। पुलाव को मैंने घी में बनाया है। आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले हम पुलाव को नीचे वाले लेयर पे डाल देंगे। अच्छे तरीके से पुलाव को हम फैला दें बर्तन में। फिर मैंने जो चिकन बनाकर रखा हुआ है अब हम इसको डाल देंगे पुलाव पे। चिकन को भी अच्छे तरीके से पुलाव पे हम फैला लें। ये देखिए मैंने चिकन पीसेस को भी डाल दिया। अब हम फिर एक लेयर पुलाव की बैठाएंगे चिकन पीसेस पे। मैंने धनिया की पत्ती पुदीने को काट कर रखा हुआ है और मैंने प्याज को क्रिस्पी ब्राउन करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया और पुदीने और धनिया की पत्ती को भी मैंने पुलाव पर डाल दिया है। अब फिर मैंने चिकन की एक लेयर बैठाना शुरू कर दिया है। अच्छे तरीके से चिकन को हम फैला लेंगे पुलाव पे ताकि सारा एरिया कवर हो जाए पुलाव का। फिर मैं एक पुलाव का लेयर चिकन पे डालूंगी। इसे भी हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाएं। फिर हम उस पर क्रिस्पी ब्राउन अनियंस एंड धनिया की पत्ती और पुदीने की पत्ती मैंने इसे डाल दिया और मैंने ईटेबल कलर उसमें केवड़ा का जल डाला हुआ है उसे भी मैंने पुलाव पर डाल दिया है। मैंने आटे को गूंद कर रखा हुआ है और उस आटे को मैं बर्तन के साइड में चारों तरफ से लगा लूँगी। आटे को मैं चारों तरफ से इसलिए लगाऊंगी ताकि इसे मैं गैस पे जब पुलाव को अपने बिरयानी को फिर से मैं बैठाऊंगी 10 से 12 मिनट तक तो वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, उसका फ्लेवर सारा पुलाव में ही बिरयानी में ही बना रहे। ये देखिए चारों तरफ से मैं आटे को लगा लिया है। उसको फिर बर्तन को हम एक ढक्कन से ढक देंगे टाइट करके। उसके बाद गैस पे हम लगभग 12 से 15 मिनट के लिए अपने बिरयानी को बैठा देंगे। बारह से पंद्रह मिनट के बाद ये देखिए हमारा चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हम अपने चिकन बिरयानी को पुदीने की पत्ती के साथ गार्निश कर सकते हैं और हम इसे रायता के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।